जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। शालीमार बाग थाना क्षेत्र में कारोबारी को उसी की कार में गोली मारने की धमकी देकर अपहरण करने और लूटपाट करने के बाद सुनसान रास्ते पर छोड़ दिए जाने के मामले को सुलझाते हुए स्पेशल स्टाफ पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान मोहम्मद हुसैन, केशव शर्मा, दीपक, प्रदीप और विपिन के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से आईफोन, 91,000 रुपए, 2 पिस्तौल, लूटी गई किया सोनेट कार और 2 बाइक जब्त की गई है। केशव वारदात का मास्टरमाइंड रहा था। केशव ने पीड़ित कारोबारी से सोशल मीडिया पर संपर्क कर जान पहचान की थी। उसी को मिलने के लिए बुलाकर रास्ते में ही साथियों के साथ किडनैप कर लिया था। DCP जितेंद्र कुमार मीना ने बताया कि जाँच के बाद केशव शर्मा एक उच्च प्रोफाइल शिक्षित पेशेवर पाया गया जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करता था, फिलहाल आजकल अपना कारोबार कर रहा है। केशव ने अपनी हाईफाई जिंदगी के खर्चों को पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि बीते शुक्रवार रात करीब 3 बजे शालीमार बाग इलाके में एक व्यक्ति का अपहरण और लूटपाट होने की सूचना मिली थी। पुलिस तुरंत कैस्पिया हॉस्टल के सामने आउटर रिंग रोड फ्लाईओवर के पास पहुंची। कोहाट एन्क्लेव पीतमपुरा के रहने वाले शिकायतकर्ता पुनीत खेत्रपाल से पता चला कि उसका अपना ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। करीब 9 बजे जब वह अपने ऑफिस से अपने किया सोनेट कार से अकेले घर लौट रहे थे तब कैस्पिया होटल के पास पहुंचे। उन्होंने अपने ट्रकों के स्थान को ट्रैक करने के लिए अपनी कार को रोक दिया था। इसी बीच हथियारों के साथ 2 युवक उनके पास आए जिन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। दरवाज़ा खोलते ही 2 और युवक मौके पर आ गए और ज़बरदस्ती कार की पिछली सीट पर बिठा दिया और अपनी कार चलाने लगे। विरोध करने पर रास्ते में मारपीट की और सामान भी लूट लिया। बदमाशों ने उसकी पिटाई कर ATM कार्ड का पासवर्ड और पिन पूछा जिससे 2 लाख रुपए भी निकलवा लिए। उसे कुछ घंटों के बाद सड़क किनारे छोड़कर उसकी कार लेकर फरार हो गए थे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।